मेरा नाम बेबी शर्मा है और मैं 2013 से इस प्रोजेक्ट पर काम करती हूँ। पहले मेरा टारगेट था 2000 का था, पर दिक्कत तो आती थी पहले में। हम लेडीज को HIV के ऊपर काम करना होगी, माइग्रेंट के ऊपर, फीमेल का होता है तो चलो आसानी से कर भी लेता है, लेकिन फिर भी हम लगे रहे क्योंकि हमें एक सोशल सेक्टर में काम करने का बहुत ज़्यादा शौक है। शौक के कारण करते रहे आज हमारा टारगेट हो गया 2500 का। 2500 के टारगेट में हम करीब 1 साल लगने वाली है, मैंने पहुंचने ही वाले हैं। पहले तो हमें दिक्कत आती, ICCC सेंटर हमारे पास भी नहीं था, वहाँ जाते थे, वहाँ माइग्रेंट हम पहुँचते थे, माइग्रेंट हैं उनको हम किराया दे कर ले जाते थे, बहुत सारी दिक्कतें आती थी। उसके बाद अब CBT होने लगी है, जब से नवंबर से CBT चालू हो गई है, ये कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग, तो उसमें हमें इतनी परेशानी हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही है जितनी कंपनी के आगे लगा दी है। तो वो समझदार थोड़ा सा व्यक्ति होते हैं जो करवा लेते हैं, नहीं तो बहुत से दारू के ठेके चाहे जो ताश उस खेल रहे हैं जगह जगह पर, उनको तो समझाने चाहिए तो समझिए अपने समझ ही नहीं पाते, लेकिन किसी तरह उनको मोटिवेट करते हैं हम तो टेस्टिंग चाहे HIV के बारे में बता कर ही छोड़ते हैं कि HIV होता क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है कि वायरस है या क्या है, तुम कहते तो एक माइंड में लोगों के यही सेट है कि दूसरे के साथ संबंध बनाने से ही HIV होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। HIV का और भी कारण है, 3-4 कारण और भी हैं जिससे HIV होता है, ये सब हमें बताना पड़ता है बोल के, लेकिन उसके लिए वो टाइम देना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती उनसे टाइम फिक्स। अब जैसे वो जिस टाइम उनका फुर्सत होती है, वो काम से फुर्सत में होते हैं, वो टाइम देते हैं, उस टाइम हमें जाना पड़ता है। हमारे लिए ना कोई रात है ना दिन है, क्या है कि माइग्रेंट शाम को आते हैं तो शाम को ही जाना पड़ता है, दिन में मालिक उनको छुट्टी नहीं देता, हमें बात करने नहीं देते, ठेकेदार से पहले बात करेंगे, कंपनी में जाएंगे तो पहले ठेकेदार से बात करेंगे, मालिक से बात करेंगे, तभी होगा। ये सब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे वजह से किसी की जीवन मैंने खुशहाल हो रही है, वो भी बच रहा है, उसके फैमिली भी बच रहे हैं, और एक दूसरे के जगह जैसे ग्रीक पॉपुलेशन में फैल रहा है उस तरह से फैलना भी कम हो जाएगा, अभी तो वही रहा है लेकिन धीरे धीरे और भी हो जाएगा, इसलिए हम इस काम को करना बहुत पसंद। थैंक यू।